यही दुआ है कि हमारी उम्र भी हमारी मम्मी जी को लग जाए। बाकी आदित्य को मिस कर रहा हूँ मैं, नहीं तो आज पार्टीशन होती मिठाई की दो जगह पे। सो हेलो गाइज, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द न्यू व्लॉग। तो यार आज एक स्पेशल डे है, वैसे आज है 28 अक्टूबर। वैसे आप लोगों में से काफ़ी लोगों को पता होगा और काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा, आज है अहोई अष्टमी। बेसिकली यार इस त्यौहार में माताएं अपने बच्चों के लिए व्रत रखती हैं। एक्चुअली आज मम्मी जी ने भी व्रत रखा हुआ है। सो मैं जाने वाला हूँ अभी राम शहर और मुझे लेके आनी है मिठाई और कुछ सामान। तो चलो फिर रास्ते में मिलते हैं। मम्मी जी हर साल व्रत रखते हैं, तो अगर हमारे लिए व्रत रखा गया है तो हमारा भी इतना सा फर्ज तो बनता है कि हम लोग कुछ करें। तो चलो यार बाकी बातें करते हैं रास्ते में। तो चलो यार भाई लोग जल्दी जल्दी से चलते हैं आरामशहर के लिए। ऐसे मैं काफ़ी लेट हो चुका हूँ ऑलरेडी, चलो जल्दी से चलते हैं। यार पर्सनली बात बताऊं तो काफ़ी डिफरेंस है, मतलब घर की वीडियोस बनाने में और मोटो व्लॉग्स या कहीं ट्रैवल की वीडियोस बनाने में काफ़ी डिफरेंस है। तो ट्राई कर रहा हूं कुछ यूनिक और कर रहे हैं अपनी मेमोरीज़ को कुछ सेव। तो चलो यार बताते रहेंगे आपको जैसे जैसे आगे कुछ चेंजेस होते आएंगे हमारी लाइफ में। और यहाँ पर हनुमान जी की मूर्ति बनी है बहुत अच्छी। सो यार आ चुका हूँ मैं रामशहर में। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे मटर और पनीर लेना था, तो ये ले लिया हम लोगों ने मटर का पैकेट एंड पनीर। तो चलो अब चलते हैं नेक्स्ट चीज़ लेते हैं। जस्ट अभी पहुँच रहा हूँ घर, सामान लेना था वो सब कुछ मिल गया। और जल्दी से चेंज करता हूँ, फिर मिलता हूँ। अब तक हेलमेट भी नहीं उतारा। तो यार गाइस ऐसी होती है कुछ अहोई अष्टमी में पूजा। तो यार ये स्पेशल व्रत मम्मी जी ने स्पेशली मेरे लिए लिया था और दीदियों के लिए, मतलब अपने बच्चों के लिए। तो यार मिठाई मेरी बची हुई थी, थोड़ी खा लेते हैं। तो यार भगवान से यही दुआ है कि हम लोग ऐसे ही प्यार प्रेम से रहें। और चाहूँगा हमेशा मम्मी जी से कि हमारे लिए ऐसे ही व्रत लेते रहें। यही दुआ है कि हमारी उम्र भी हमारी मम्मी जी को लग जाए। ये बात मेरी तरफ से भी और दीदी जी की तरफ से भी, वो लोग भी वीडियो देख रहे होंगे, तो यार आप लोगों की तरफ से भी मैंने बोल दिया। बाकी आप लोग कमेंट्स में बोल सकते हो, हम लोग इनको खुश रख सकें। अपनी तरफ से भी ट्राई करते हैं और ट्राई करते रहेंगे और हमेशा करेंगे। तो यार इस स्पेशल टाइम के लिए कुछ ज़्यादा तो नहीं किया मैंने भी नहीं, बट एक छोटी सी चीज़ लेके आया हूँ मम्मी जी के लिए। तो 1 2 3 यार एक छोटा सा तोहफा मेरी तरफ से मम्मी जी के लिए। और यार दीदी जी और को मैं काफ़ी मिस कर रहा हूँ, वो लोग वीडियो देख रहे होंगे, तो प्लीज़ कमेंट्स में बताना आप लोग आए तो नहीं। तो यार टाइम कैसे बीतता है पता भी नहीं चलता। कभी हम लोग इसी घर में 4 भाई बहन घूमते थे। पहले बड़े वाले दोनों सिस्टर की शादी हुई, उसके बाद फिर थर्ड वाले दीदी की भी शादी होगी। अब मैं हूँ और मम्मी जी हैं, हम दोनों। बाकी आदित्य को मिस कर रहा हूँ मैं, नहीं तो आज पार्टीशन होती मिठाई की 2 जगह।